आपसे अनुरोध है कि सर आप आए और आकर के आभा जी को आशीर्वाद भी दें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और विशेष रूप से जो आकर्षक बिंदु जिनकी कहानियों को हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और पढ़ाया भी, ममता कालिया जी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं और ममता जी का किसी मंच पर होना अपने आप में बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। गौर साहब ऐसी सर्दी में इस मंच पर हैं और साथ ही विवेक जी ने जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि हिंदी भवन के इस कार्यक्रम में मैं बहुत बार आया हूँ और यहाँ कुर्सियाँ खाली ही मिलती हैं, शायद इतनी भीड़ कम ही होती है। विवेक जी के कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ, मैंने इनका कोई कार्यक्रम अटेंड तक नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं बहुत कार्यक्रमों में आया हूँ और अक्सर ये होता है मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और श्रोताओं में काफ़ी कमी रहती है, लेकिन इतनी सर्दी के बाद भी आप सबका यहाँ आना और जिस गर्मजोशी के साथ आभा जी का स्वागत करना, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि आभा जी को इतना बड़ा आशीर्वाद जो मिल रहा है, निश्चित रूप से वो आगे चल करके उनसे हिंदी साहित्य को जो अपेक्षाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। इस पुस्तक में को मैंने तो अभी पहली बार ही देखा है, मैंने नहीं देखा पहले, लेकिन इतनी देर में मैंने पहली कविता और अंतिम कविता पढ़ी, क्योंकि किसी बटलोई का एक चावल देख करके ही मालूम पड़ जाता है। विवेक जी ने जो थोड़ा सा एक टिप्पणी की थी, ये बात सही है, विवेक जी ने अपनी पुस्तक मुझे दी, उससे पहले मैं ये तो समझता था कि आप विवेक जी कविता लिखते हैं, बहुत पहले से जानता हूँ, कम से कम 15 साल से आपसे परिचित हूँ, आज से नहीं, लेकिन कविताएं आपकी मैंने नहीं पढ़ी थी। जब आपने अपनी पुस्तक दी तो मैंने देखा कि मुक्त छंद की कविता कैसे लिखी जाती है, क्योंकि आज तमाम ऐसे लोग हैं, अभी गौर साहब से भी बात हो रही थी, मुक्त छंद और छंद मुक्त का मतलब ही नहीं समझते। निराला ने मुक्त छंद, छंद को मुक्त किया था, बंधन से मुक्त किया था, लेकिन उसमें छंद होना चाहिए। मुक्त छंद तो है लेकिन वो मुक्त है, लोगों ने उसको उल्टा कर दिया, छंद ही नहीं है, तो छंद नहीं है तो ये बिल्कुल अलग जैसी बात हो गई। अब मुक्त छंद में अगर आप कुछ लिखते हैं और उसमें अगर कथ्य नहीं है, सामयिकता नहीं है, कोई कवि उद्देश्य नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है? और ऐसी तमाम कविताएं आपको छंद मुक्त में और मुक्त छंद के बीच में तैरती हुई मिल जाएगी, जिन्होंने लोगों का स्वाद खराब कर दिया, क्योंकि आज कविता की पुस्तक को छपवाना बहुत आसान हो गया, आज कठिन नहीं रहा, इसलिए रातों रात कोई लिखता है तुरंत छपवा डालता है और उनमें से बहुत सारी ऐसी बाजार में जो भीड़ होती है उनके बीच में से जब कभी कुछ अच्छी किताबें आती हैं, उनमें एक विवेक गौतम जी की किताब जिसकी मैंने चर्चा की थी, मैंने उसमें 2 कविताएं लगाई भी थी फेसबुक पर, और आज चूंकि आभा जी का ये कार्यक्रम है तो विवेक जी की बात करना तो बहुत ज़्यादा मानी नहीं रखता, फिर कभी बात करेंगे।
कि विवेक जी की किताब का भी शायद अभी विमोचन नहीं हुआ है, चर्चा होनी है, उसमें मुझे भी बोलना है। आभा जी की एक कविता जो अंत में है, मैंने अभी यही पढ़ी है, आप देखिए। अंधेरे के झांसे बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, अंधेरे के झांसों में मत आना। क्या बात, बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, अंधेरे के झांसों में मत आना, पूरब की ओर देख जरा गौर से, नजर आएगी किरण फिर से सवेरे का उजाला लेकर, और बचा कर रख अपनी जज्बाए जिंदगी, वही खीर से वही वही ईद दशहरा लेकर। तो ये सब हमें बचा कर रखना होगा तमाम तरह की कुंठाओं से, संत्रास से, और समाज में फैली तमाम तरह की विद्रूपताओं के बीच में हमें अपने को, अपनी संस्कृति को बचा कर रखना होगा। यही कवि का दायित्व भी है और कवि उद्देश्य भी है। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आभा जी को कि वो और निरंतर इसी तरह से काव्य लेखन करती रहें, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।